ओके, तो तुम भी कंफ्यूज हो कि द राइटिंग बीस्ट हॉजर एक्सो को लूं या फिर न्यूली लॉन्च्ड हॉजर एयरऑक्स को। ये वीडियो देख लो, पता चल जाएगा, क्योंकि मैं इसमें 5 पैरामीटर्स पर इन दोनों पेन को टेस्ट करूंगा एंड देन तुम्हें लास्ट में एक ओवरऑल कंक्लूजन भी दूंगा कि कैसे इनमें से कौन सा पेन बेस्ट है। तो चलो लेट्स बिगिन। डिजाइन, ये दोनों ही बॉल पेन्स सिंपल डिजाइन को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से क्लीन एंड शार्प लुक देखने को मिलता है। एंड सैल्यूट टू द हॉजर टीम, क्योंकि इनके पेन्स की कलर साइकोलॉजी मुझे बहुत तगड़ी लगती है। बिकॉज उनका कोई भी पेन तुम उठा के देख लो, सारे के सारे यूनिक एंड न्यू कलर्स पर बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, इन्हीं दोनों की बात करें तो तुमने ऐसे कलर्स के पेन नहीं देखे होंगे। हॉजर एक्सो का कलर ग्रेश ब्लू है, जो कि थोड़ा एबनॉर्मल है, एंड हॉजर एयरऑक्स जेली ब्लू है, अनसीन। ये दोनों ही पेन्स प्लास्टिक बॉडी वाले हैं, जिनमें तुम्हें मैट फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। दोनों ही पेन्स इस प्राइस रेंज में मैट फिनिशिंग देते हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। ये दोनों पेन्स लाइट वेट भी हैं, सो राइटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स विल नॉट ब्रिंग पेन इन योर फिंगर्स। हॉजर एक्सो को तुम यहाँ ऊपर से ओपन कर सकते हो, वहीं एयरऑक्स को तुम्हें नीचे से खोलना पड़ेगा। टिप स्लैश ग्रिप, हॉजर एक्सो में तुम्हें 0.6 mm की फाइन नीडल टिप देखने को मिलेगी एंड सेम फॉर द हॉजर एयरऑक्स। बट एक फाइन नीडल टिप होने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? अगर तुम्हारे पेन में फाइन नीडल टिप दी गई है तो तुम्हारा पेन ज़्यादा प्रिसाइज एंड कंट्रोलेबल बन जाता है, जिससे कि तुम लेजिबल लिख सकते हो, और वो भी अगर तुम अच्छे से यूज़ कर पाओ तो। इन दोनों पेन्स में डिसेंट ग्रिपिंग देखने के लिए मुझे ऐसे कोई अरेंजमेंट्स नहीं मिले हैं, जैसे रबर कुशन ग्रिप भी नहीं है, या उसकी जगह पर थ्रेडेड ग्रिप होता तो भी चल जाता, लेकिन ऐसा मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला, तो थोड़ा ये डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। और अगर तुम ज़्यादा प्रेशर से पेन को होल्ड करते हो तो लॉन्ग टाइम तक लिखने में ऑब्वियसली थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। बट मेरी एडवाइस तो यही है कि अगर तुम इन दोनों पेन्स का यूज़ करना है तो लाइटली प्रेशर एग्जर्ट करके लॉन्ग टाइम तक यूज़ करो। हॉजर एक्सो का बैरल डाया थोड़ा पतला है इन कंपैरिजन ऑफ हॉजर एयरऑक्स, तो जो लोग पतले पेन से लिखना प्रीफर करती हैं वे हॉजर एक्सो को चुन सकते हैं, एंड जो थोड़े मोटे बैरल डाया के पेन से लिखना पसंद करते हैं या जिनमें उन्हें कम्फर्ट मिलता है, उसके लिए वो हॉजर एयरऑक्स को प्रीफर कर सकते हैं। इंक, मोस्ट ऑफ द बॉल पेन्स में ऑयल बेस्ड इंक का यूज होता है। सेम ईयर हॉजर एक्सो एंड हॉजर एयरऑक्स में भी ऑयल बेस्ड इंक का ही यूज़ हुआ है, जो कि डार्क ब्लू इन कलर है। इन दोनों पेन्स की इंक काफ़ी जल्दी ड्राई हो जाती है, तो जिससे तुम्हें स्मज जैसी प्रॉब्लम्स देखने को ही नहीं मिलेंगी। ये दोनों पेन्स रिफिलेबल भी हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हॉजर एक्सो की रिफिल थोड़ी मोटी है इन कंपेरिजन ऑफ एयरऑक्स रिफिल, तो ये ज़्यादा चलेगी, इस बात का ध्यान रखना। वहीं हॉजर एक्सो एंड एयरऑक्स, ये दोनों पेन्स ही ब्लू, ब्लैक एंड रेड कलर ऑप्शंस में मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। तुम किसी भी स्टेशनरी शॉप पर जाकर इन्हें परचेस कर सकते हो। वाटरप्रूफिंग, आई नो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जिसके लिए तुम अभी तक इस वीडियो को वॉच कर रहे थे, तो मैं तुम्हें डिसअपॉइंट भी नहीं करूँगा। तो चलो, जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया था कि दोनों पेन्स ही हॉजर एक्सो एंड एयरऑक्स में ऑयल बेस्ड इंक का यूज़ हुआ है, तो ये वाटरप्रूफ भी होंगी। बट ऐसा होता क्यों है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि ऑयल वाटर में मिक्स नहीं हो सकती। एंड ये क्यों नहीं मिक्स हो सकती? क्योंकि इसकी डेंसिटी ऑयल से डिफरेंट है, या यूं कहें तो ज़्यादा है। दैट इज़ वाई ऑयल बेस्ड इंक सक्सेसफुल है वाटरप्रूफ में। तो दोस्तों, तुम ऐसे पेंस परचेस करना जिनमें ऑयल बेस्ड इंक का यूज़ हुआ हो, या तो ऑयल बेस्ड इंक का यूज़ हुआ हो या तो फिर फ्लूड बेस्ड इंक का यूज़ हुआ हो। ये दोनों तरह के इंक टाइप वाटरप्रूफ होते हैं, जो कि तुम्हें प्राइस के साथ साथ क्वालिटी एंड एश्योरेंस भी देते हैं। प्राइसिंग, लिटरली यू विल बी शॉक जब मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि ये दोनों धासु फीचर्स वाले पेन तुम्हें केवल और केवल 10 रुपीज़ में तुम्हारे नियर बाई स्टेशनरी शॉप्स पर ईजिली मिल जाएंगी, जहाँ से तुम इन्हें परचेस कर सकते हो एंड इसे यूज़ करके अपनी राइटिंग और अपनी परफॉर्मेंस दोनों को इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन वेट, वीडियो यहीं पर ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि दिस इज़ द टाइम जब मैं तुम्हें अपना फाइनल वर्डिक्ट दूंगा। सो इट्स टाइम टू रेट बोथ दीज पेन्स। डिज़ाइन की बात की जाए तो एक्सो एंड एयरऑक्स दोनों में एक सेम डिज़ाइन पैटर्न फॉलो हुआ है, काफ़ी सिंपल डिज़ाइन है, तो मैं दोनों को 1 पॉइंट देता हूँ। टिप की बात करें तो दोनों में सेम 0.6 mm की टिप का यूज़ हुआ है, तो यहाँ भी दोनों को 1 पॉइंट। एंड इंक की बात करें तो यहाँ पर एक्सो इज स्लाइटली बेटर
देन एयरॉक्स, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें रिफिल थोड़ी मोटी मिल रही है, जबकि एयरॉक्स में तो डाया भी बैरल का ज़्यादा है, लेकिन फिर भी तुम्हें वहाँ पे पतली रिफिल देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एक्सो का 1 पॉइंट बनता है एंड एयरॉक्स का 0.5। वाटरप्रूफिंग की बात करें तो दोनों में सेम टाइप ऑफ इंक का यूज़ हुआ है, तो ये वाटरप्रूफ ही है। एंड प्राइसिंग भी दोनों की सेम ही है, 10 रुपीज़ एज यू नो। तो मेरे हिसाब से अगर तुम पेन लेने जा रहे हो तो एक्सो एंड एयरॉक्स में से एक्सो इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर नाउ सिनेरियो, बिकॉज अगर बाद में ये मोटी रिफिल उसमें इंसर्ट करते हैं तब कुछ बात बन सकती है, नहीं तो यू शुड गो फॉर एक्सो। अंटिल देन, जय हिंद।